सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ वाई इज इक्वल्स टू सेक एंड देन टेन इनवर्स एक्स, देन वी हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, आप पाएंगे कि ऐसे सवाल हम लोगों ने बहुत बार किए हुए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर के अंदर, जहां मैंने सिखाया था कि कैसे आप लोग इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है वैसे, तो हमारे पास गिवन है वाई इज इक्वल्स टू सेक एंड देन टैन इनवर्स एक्स हमारे पास गिवन है। मैंने आपको सिखाया था कि आप लोग एक्स की जगह पे इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई एंगल थीटा एज्यूम कर लें एंड देन सवाल को आगे प्रोसीड करें। देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ कर देते हैं पुट एक्स इज इक्वल्स टू वॉट टैन इन टैन थीटा पुट कर दूँ मैं यहाँ पे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू आप लोगों ने थीटा पुट किया हुआ है। देखिए दोनों का मतलब हूबहू सेम ही है, आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब आपने ये चीज़ पुट की तो देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो क्वेश्चन आपका नाउ बन जाएगा वाई इज इक्वल्स टू सेक, और आपको पता है कि टैन इनवर्स एक्स की जगह पे आपने पुट किया हुआ है थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा। फिर मैंने सिखाया था आप लोगों को जब कभी भी आप ये चीज़ पुट कर दें देन आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आपके पास ऑप्टेन हुई है वो सब कुछ आपका कन्वर्ट हो जाए टेन की फॉर्मेट में, ताकि आप लोग जहाँ जहाँ भी टेन मिले आप लोगों को वहाँ पे आप लोग एक्सपोर्ट कर सकें। ओके सो मुझे बताइए सेक थीटा से टेन थीटा में आप पूरी पूरी एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप सबको पता है कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम सबको पता है कि अंडर रूट के अंदर वन प्लस में टेन स्क्वायर जो होता है वो सेक थीटा ही होता है, या फिर हम ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ओके नाउ आपका पूरी पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है जो चीज़ आपने पुट की थी उसकी टर्म्स में, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपको अब टेन थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ पर आप प्लीज़ सिंपली एक्स को पुट अप कर लीजिए। ओके सो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू वॉट अंडर रूट के अंदर वन प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके सो ये हमारे पास आया है रिक्वायर्ड वाई का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। नाउ हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्मेट में हमें ऑप्टेन हो जाए। ओके सो ध्यान से देखते रहिए आप लोग मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। सो हमारे पास ऑप्टेन हो रखा है वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर वन प्लस में एक्स स्क्वायर। नाउ आप इसको यही बोल सकते हैं कि वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब आप चाहे यहाँ पे चेन रूल लगाइए या फिर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था क्लास 11th क्लास के अंदर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने मान लीजिए चेन रूल को अप्लाई किया देन आप लोग पहले सॉल्व करेंगे पावर को, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू पावर का सॉल्यूशन होता है 1/2, जो भी चीज़ आपके पास लिखी है वो एज इट इज़ एंड देन 1/2 माइनस वन एंड इन टू में क्या करना पड़ेगा आपको, अब इस वाली चीज़ का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस में 2x। ओके सो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1/2 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, जिसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ नीचे, बिकॉज माइनस हाफ का मतलब वो चीज़ आ जाएगी नीचे एंड इन टू में यहाँ पे बचेगा आपके पास सिंपली 2x। 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में वॉट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स होगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू आपको ऑप्टेन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन है क्या, तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके ध्यान से देखिए, मैंने वैसे आप लोगों को क्लास 11th में एक शॉर्टकट ही बताया था अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था जब कभी भी आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो और अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1/2 रूट के अंदर वही सेम फंक्शन एफ एक्स एंड देन इन टू में यहाँ पे आपको करना होता है डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स। ओके सो इसको मान लीजिए हम यहाँ पे अप्लाई करें, देखिए हमें क्या ऑप्टेन होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा अगर मान लीजिए वाई इज इक्वल्स टू हमें गिवन है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, देन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और यूजिंग दिस शॉर्टकट वो हमें क्या ऑप्टेन हो जाएगा, तो वो ऑप्टेन हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर वही सेम फंक्शन एज इट इज़ एंड इन टू में ऊपर क्या हो जाएगा अंदर वाली चीज़ का आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 2x, तो सिंपली यहाँ पे 2x आएगा, 2 से 2 यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपको ऑप्टेन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे पास ऑप्शन शॉर्टकट से भी आ रहा है, तो ये इस चीज़ का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। याद रखिएगा इसके कुछ हमारे पास कन्वर्जन्स के रूल थे जो मैंने आपको शीट में आपके दिए हुए हैं, अगर आप IIT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो कन्वर्जन के रूल्स आप लोगों को पूरे पूरे टिप्स पे होने चाहिए। तो ये सवाल आप लोगों का महज एक सेकंड का सवाल रह जाएगा अगर आपको टिप्स पता हो तो।
ठीक है, ये सवाल मैंने समझाया बिकॉज बच्चे का एक डाउट आया हुआ था, तो मैंने इसको डिटेल वे में समझाया है यहाँ पे। हालांकि इस सवाल को करने का आपके पास एक शॉर्टकट भी है, ओके, जिसको आप लोग मेरी शीट में जाके देख सकते हैं जो कि मेरी ऐप में है, ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एनालाइज कीजिए इस सवाल को। मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ इसका, ताकि सब कुछ आपका एक साथ रहे, ओके। तो याद रखिएगा, ये करने का एक ऑप्शनल तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, और इससे भी एक शॉर्ट तरीका आपके पास कौन सा है, जो कि शीट में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, और ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लीजिए और देख लीजिए एक बार, ओके।